नमस्कार दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है और 1954 में आज ही के दिन अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ था। लेकिन आज बिहार के राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके साथ ही भारत ने मिसाइल तकनीक में एक और मील का पत्थर छू लिया है। भारत ने रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं काले धन को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि स्विस बैंक ने भारतीय खाताधारकों के नामों की लिस्ट सरकार को दे दी है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को आईपीएल में लगे सबसे लंबे छक्के का एक वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज होगा रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज 10 बजे गंगा किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। रामविलास पासवान के पटना में होने वाले अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पूरी कैबिनेट की तरफ से मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली से पटना पहुंचने पर रामविलास के पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया गया, जिसके बाद उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पार्टी दफ्तर में रखा गया। भारत और इजराइल ने मिलकर कोरोना का टेस्ट चुटकियों में करने को लेकर एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी को करीब करीब तैयार कर लिया है। रैपिड टेस्टिंग रिसर्च अब फाइनल स्टेज में है और कुछ दिनों में ही ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसमें एक मिनट से भी कम समय में टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मालका ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और इजराइल के बीच तालमेल के लिए हेल्थ केयर एक अहम क्षेत्र होगा। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इसका परीक्षण Sukhoi-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है, साथ ही अपने रडार मिलाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। अभी ये मिसाइल डेवलपमेंट ट्रायल में जारी है, लेकिन इन ट्रायल के पूरा होने के बाद जल्द ही इन्हें सुखोई और स्वदेशी विमान तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। हालांकि एक अन्य मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अंतिम मामले में जमानत एक महीने बाद मिलेगी। सभी मामलों में उन्हें जमानत आधी सजा जेल में काटने की वजह से मिल रही है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध जारी है। इसी बीच रूस को इस बात की खबर लग चुकी है कि सीरिया से भेजे गए आतंकवादी नागोर्नो काराबाख के रास्ते रूस में एंट्री ले सकते हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामिक आतंकवादियों को सबसे बड़ी चेतावनी जारी की है। रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख सरगेई नारिस्किन का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में जो भाड़े के सैनिक आ रहे हैं वे मिडिल ईस्ट के आतंकवादी हैं। रूस पहले से ही हजारों आतंकवादियों से जूझ रहा है। वही रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुतिन ने खुलकर आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान कर दिया है। त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। इस बार रेपो रेट में कटौती नहीं हुई है, लेकिन कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे शेयर बाजार खुश है। बीएसई का 30 कंपनियों वाला शेयर सूचकांक सेंसेक्स 326.82 अंक यानी 0.81% बढ़कर 40,509.49 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 79.60 अंक यानी कि 0.67% की बढ़त के साथ 11,914.20 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने दो सबसे घातक हथियार भेजे हैं। ये अमेरिकी हथियार इतने विनाशक हैं कि किसी भी देश को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इन अमेरिकी हथियारों का नाम है ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही इन दिनों हिंद महासागर में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह हथियार भारत की मदद के लिए भेजे हैं। यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी आबादी से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए हैं। यूएई ने कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जबकि यूएई की कुल आबादी 96 लाख ही है। हालांकि सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट के मामले में चीन पहले नंबर पर है, जबकि अमेरिका ने 7 अक्टूबर तक 11 करोड़ कोविड टेस्ट किए हैं, लेकिन आबादी से ज्यादा टेस्ट करने के मामले में यूएई सबसे आगे निकल गया है। काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना संधि के आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत
अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई। भारत को जो लिस्ट मिली है उसमें 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में सूचना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट टीवी चैनल्स को हिदायत दी है कि वे झूठे, अर्धसत्य, अश्लील और किसी व्यक्ति या समूह के प्रति अपमानजनक सामग्री का प्रसारण न करें। मंत्रालय ने इसे लेकर सभी चैनल्स को एडवाइजरी जारी की है। सहयोग से एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है जब रिपब्लिक टीवी समेत कुछ टीवी चैनल्स पर टीआरपी में हेर फेर करने के आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले ही सुदर्शन न्यूज के एक विवादित प्रोग्राम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पाकिस्तान के दूर संचार प्राधिकरण ने चीनी ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान को इस ऐप पर अश्लील कंटेंट को लेकर कंपनी से शिकायत थी। कंपनी पाकिस्तान सरकार के निर्देश को नहीं मानी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन को झटका देते हुए टिकटॉक ऐप को अपने देश में ब्लॉक कर दिया है। पिछले दिनों पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने द न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा होगा जिसे आपको अगली बार देखने के लिए 2035 तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल इस दिन मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा, जिससे ये सबसे बड़ा दिखाई देगा। खगोल वैज्ञानिकों और मंगल ग्रह को पसंद करने वाले लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है। IPL में बेयरस्टो ने जड़ दिया सबसे लंबा छक्का। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए मुकाबले में बेयरस्टो ने इतना लंबा छक्का जड़ दिया कि छक्के को देख कर KL राहुल अपनी दाढ़ी खुजलाने लगे। दरअसल राहुल को विश्वास नहीं था कि स्पिनर की गेंद पर बेयरस्टो इतना बड़ा छक्का जड़ देंगे।